हेलो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में एसटी गेस्टर के बारे में पढ़ा था और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्ल व्युत्पन्न, तो उसी क्रम में आज हम बढ़ते हैं और देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में। ठीक है, इसे बनाने की विधियाँ देख लेते हैं। एसिटिक एसिड लिया, इसकी P2O5 से अभिक्रिया करवाते हैं, तो P2O5 क्या होता है, H2 निकाल देता है मॉलिक्यूल में से और हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, यही फॉर्म है। देखो CH3CO कॉमन है दोनों तरफ, तो हमें क्या लिख दिया, CH3CO का इक्वल टू O। ठीक है, चलो दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, CH3CONa से सोडियम के साल्ट से करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। किटिन की अभिक्रिया एसिटिक एसिड से करवाते हैं, तब भी क्या प्राप्त होता है हमें, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो यहाँ पे देखेंगे ये हाइड्रोजन कहाँ से ला गया, CH2 पे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। एसिटिलीन की अभिक्रिया एसिटिक एसिड से करवाते हैं Hg2+ की उपस्थिति में, तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है। देखो कैसे क्रिया होंगे, ये H इस कार्बन से जुड़ गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OCOCH3, फिर एक बार और अभिक्रिया करवाएं इसकी, तो CH3 CH बॉन्ड OCOCH3 बॉन्ड OCOCH3, इसमें से क्या निकल जाता है, CH3 CHO निकल जाता है और हमें यह क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाता है। चलो इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, इसका जलावघटन करवाते हैं। जब एसिटिक एनहाइड्राइड का जलावघटन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, इसे कोई सा बॉन्ड टूटा तो ये OH और H क्या मिला, एसिटिक एसिड। इसका अपचयन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो अपचयन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में और हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होता है। तथा साथ में H2O उपउत्पाद के रूप में निकलता है। एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो हमें उत्पाद प्राप्त होता है एसिटेमाइड तथा एसिटिक एसिड। देखो कैसे होगा, CH3CO ओ CO CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड था, इसके NH3 से अभिक्रिया करवाता तो ये हाइड्रोजन है, जिसके साथ इस पूरे ग्रुप के साथ निकला तो क्या निकला, CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड O और H, तो ये तो हुआ गया एसिटिक एसिड। और रिमेनिंग पार्ट कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा, तो CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, इसको भूल जाए तो क्या हो गया, NH2 बन रहा है, तो CH3CONH2 ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। चलो एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, क्लोरीन से। फॉस्फोरस की उपस्थिति में ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, हेलोनाइड जलन की अभिक्रिया कहलाती है। अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रतिस्थापित होता है क्लोरीन से और हमें क्या प्राप्त होगा, CCl3CO का होल टू O प्राप्त होता है। मतलब अल्फा हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित हो जाता है, क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाता है। चलो इसका एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करवाए हम PCl5 से, तो देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि PCl5 से अभिक्रिया करवाएंगे तो इसको दो जगह से तोड़ देते हैं अपन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को। अब देखो PCl5 को दो पार्ट में तोड़ दें, Cl PCl3 Cl, तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक CH3COCl, यहाँ से यहाँ तक CH3COCl, तो दो मॉलिक्यूल तो हमें प्राप्त हुए CH3COCl के एसिटिल क्लोराइड के, प्लस ये क्या प्राप्त हुआ हमें पूरा का पूरा POCl3 PCl3 प्राप्त होता है। इसी तरह से हम अभिक्रिया करवाए SOCl2 के साथ में, ये वापस उसी तरह से टूटेगा, ये SO ये Cl Cl, तो ये एसिटिल क्लोराइड प्राप्त हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक ही जगह से टूटेगा, तो एक साइड तो हमें प्राप्त होगा एसिटिल क्लोराइड और दूसरा उत्पाद क्या प्राप्त होगा हमें, एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, चलो इसके आगे हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करवाए, एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं। कैटलिस्ट में क्या लेते हैं, C2H5 ONa H+ H2O और गर्म करते हैं, मतलब पहले इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं,
सीटेट फाइव वहीं से करवाते हैं, फिर इसका निकोला बटन करवाते हैं और फिर इसका अंततः गर्म करते हैं। तो हमें यहाँ पे उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। सिनेमिक एसिड का क्या सूत्र है, C6H5CS डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, ये सिनेमिक एसिड का सूत्र होता है। ये एक रिएक्शन हो गई, बेंजीलडिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है इन कैटलिस्ट की उपस्थिति में। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन समझते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करवाते हैं N2O5 की उपस्थिति में। N2O5 को कैसे तोड़ लें, NO2O NO2। ठीक है, तो वापस वही अभिक्रिया आ जाती है, NO2O NO2 से अभिक्रिया करवाएंगे। यहाँ पर देखो एक बॉन्ड टूटा, इसके यहाँ पे NO2 और यहाँ पे ONO2, तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ONO2, ये क्या प्राप्त हुआ हमें, एसिटिल नाइट्रेट, जो कि क्या होता है, विस्फोटक होता है। एसिटिल नाइट्रेट की प्रवृत्ति कैसी होती है, विस्फोटक प्रवृत्ति होती है। एसिटिक एनहाइड्रेट की अभिक्रिया N2O5 से करवाए तो एसिटिल नाइट्रेट प्राप्त होता है। एक रिएक्शन है, अंतिम रिएक्शन है आज की, एसिटिल, एक सेकंड देखते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं हम, एल्डिहाइड से करवाते हैं। तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है, CH3CH OCOCH3 और OCOCH3। अब इसको गर्म करते हैं तो पुनः एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये ठंडा करने पर तो दूसरा उत्पाद प्राप्त होगा, गर्म करने पर वापस पुनः वही उत्पाद प्राप्त हो जाता है। चलो ये आज की हमारी एसिटिक एनहाइड्राइड कंप्लीट हुआ, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।